गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स डू द रिविजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, होम्स ऑफ एनिमल्स. नाउ चिल्ड्रन, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ होम टू टेक रेस्ट, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स. अब चिल्ड्रन, आपको पता है ना कि जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग हैं, हमें भी एक अपने होम की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही एनिमल्स को भी अपने होम की ज़रूरत होती है. क्यों होती है? ताकि वो भी रेस्ट कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें हीट से, कोल्ड से, रेन से और बैड पीपल से, एनिमीज से. ओके चिल्ड्रन, नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स. हर एक एनिमल का अपना एक अलग होम होता है. ओके, नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स मोस्टली लिव इन होम्स मेड बाई ह्यूमन बींग्स. अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके जो होम होते हैं वो मोस्टली कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, यानी कि हम लोग बनाते हैं. अब लाइक डॉग, डॉग कहाँ रहता है? कैनल में. अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. हैन, अ हैन लिव्स इन अ कूप. हॉर्स, अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. अ काओ लिव्स इन अ शेड. सो चिल्ड्रन, आप देख रहे हो ना, डॉग, हैन, हॉर्स, काओ, सबका अपना अपना एक होम है और दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन, वाइल्ड एनिमल्स यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट. मैम ने आपको बताया था ना कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो फॉरेस्ट में रहते हैं. एंड अ लायन लिव्स इन अ डेन. और जो लायन होता है वो कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में, डेन के अंदर. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, होम्स ऑफ अदर एनिमल्स. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. अब आपको पता ही है कि जो बर्ड होते हैं वो नेस्ट में रहते हैं और वो अपना नेस्ट खुद बनाते हैं ना ट्रीज पे. रैबिट्स एंड रैट्स लिव इन बरोज. एंट्स मेक एन एंट हिल. स्पाइडर्स स्पिन वेब्स. बीज मेक अ बीहाइव. मंकीज लिव ऑन ट्रीज. नाउ चिल्ड्रन, रैबिट्स एंड रैट्स कहाँ रहते हैं? बरों में. एंड एंट्स कहाँ पे रहती हैं? एंट हिल में. स्पाइडर क्या बनाती है? अपना वेब. ओके, और वो वेब में रहती है. एंड बीज मेक बी हाइव. और बीज कहाँ रहती हैं? बी हाइव में. एंड मंकीज वो रहते हैं ट्रीज पे. तो चिल्ड्रन, आपने देखा कि हमने आज इसके अंदर होम्स ऑफ एनिमल्स को रिवाइज किया कि डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स ऑफ अदर एनिमल्स. तो ये एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, इनके हाउसेस को हम क्या कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, हेयर इट इज़ अ चार्ट. काइंड ऑफ एनिमल्स हमने डिस्कस किया ना अभी. काइंड ऑफ एनिमल्स, यूजेज ऑफ एनिमल्स, होम्स ऑफ एनिमल्स. अब हमने काइंड ऑफ एनिमल्स में क्या क्या पढ़ा? डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स. और मैम ने आपको बताया ना कि डोमेस्टिक एनिमल्स में पेट एनिमल्स भी होते हैं और फार्म एनिमल्स भी होते हैं. और इसी तरह यूजेस ऑफ एनिमल्स भी हमने डिस्कस किया. गिव अस मिल्क, मीट, एग, वूल. अब हमें एनिमल्स क्या क्या देते हैं? मिल्क, मीट, एग और वूल. हेल्प इन प्लगिंग, कैरिंग लोड्स. हमारे लोड्स को कैरी करते हैं, हमारी और तरीके से भी बहुत हेल्प करते हैं एनिमल्स. एंड यूज्ड इन मेकिंग लेदर और सिल्क. और लेदर और सिल्क के जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें भी हमें एनिमल स्किल बहुत हेल्प करती है. नाउ चिल्ड्रन, होम्स ऑफ एनिमल्स, डॉग का रहता है कैनल में, हैन कूप में, हॉर्स स्टेबल में, काओ शेड, लायन डेन, बर्ड नेस्ट, रैबिट बरो, एंट एंटिल, स्पाइडर वेब, बी बीहाइव एंड मंकी ट्री. ओके चिल्ड्रन, तो आपको सभी को ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है एंड लर्न विद स्पेलिंग्स ऑल्सो. और रीड भी करना है ताकि आपका रीडिंग स्किल्स भी अच्छे से इम्प्रूव हो. ओके चिल्ड्रन, बाय, हैव अ नाइस डे.